जिस तरह से उसको लटकाया, उसका जब हाथ काटा गया और वो भागा डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए, और उसको वहां से घसीट कर लेकर आया गया और फिर से मारा, उसको तड़पा तड़पा के मारा, आपको लगता है कि ये देश रहने लायक रह गया है? कम से कम उसके खिलाफ आवाज तो उठाइए, गलत को गलत तो बोलिए। आप सब लोगों ने अपना मुंह ऐसे सी लिया है जैसे कि कुछ गलत हुआ ही नहीं है। कि कहाँ है पॉलिटिकल पार्टीज जो हर बात पर सड़कों पर उतर आती थी, जो हर बात पर धरने प्रदर्शन करती थी? इस बात के लिए ना धरना प्रदर्शन हुआ, ना किसी का ट्वीट आया, ना ही लोगों ने अपनी आवाज उठाई। मैं और जानवर में क्या फर्क है? आपने सेवादार को भी मार दिया उठा के। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। लाखों किसान मौजूद हैं और उनके सामने अगर ये घटना हुई और किसी ने नहीं उसको रोका, आपने जबान क्यों सी के रखी हुई है? अगर बीजेपी ने किया या नहीं किया, आपने चुप्पी क्यों साधी हुई है? और अगर ये बीजेपी ने किया है, बाकी लोग तो बीजेपी के नहीं थे ना, उन्होंने क्यों नहीं रोका? जो ये जितने फेक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये एक ऐसी जगह पे हुआ है जिस प्रोटेस्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। और मेरे लिए, मैं हमेशा से ये बात बोलती आई हूँ कि मेरे लिए किसान भगवान है, क्योंकि वो हमें अन्न देता है, वो उसकी वजह से हमारे घर में रोटी आती है। और मैं किसानों के साथ हूँ, उनके आंदोलन के साथ हूँ, मरते दम तक उनके साथ हूँ। लेकिन किसानों की प्रोटेस्ट की जगह पर अगर इस तरह का भयावह कांड किया जाता है और सब लोग उसको लगातार देखते हैं, कोई उसको ना रोकता है और ना ही उसके कोई भी वीडियोस आते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, जबकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज हर इंसान के पास कैमरा फ़ोन है। जाहिर है ये जो कुछ भी हुआ था वहाँ पर हज़ारों की भीड़ होगी, क्योंकि ये एक प्रोटेस्ट की जगह पर हुआ था। उसके बावजूद ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने वीडियो ना बनाया हो उसको मारते पीटते हुए, या जिस तरह से उसको लटकाया, उसका जब हाथ काटा गया और वो भागा डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए, और उसको वहाँ से घसीट कर लेकर आया गया और उसको फिर से मारा, उसको तड़पा तड़पा के मारा, वो ये कहता रहा कि वो जितना हमें सुनने में आ रहा है, वो ये कहता रहा कि आपको मुझे मारना है तो एक बार मार दो, इस तरह से तड़पा के मत, कला काट दो, लेकिन आप तड़पा के मत मारो। और डेफिनेटली कहा होगा, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया, उसका हाथ काटा गया, उसको लटकाया गया है, हम किस तरह की मानसिकता भरी लोगों के बीच में रह रहे हैं? आपको लगता है कि ये देश रहने लायक रह गया है? लेकिन मैडम, सवाल तो यही खड़ा होता है, जब संयुक्त किसान मोर्चे के जो मंच है उसके सामने जब ऐसी घटना हो रही है और संयुक्त मोर्चा कहता है कि हमारा कोई लेना देना नहीं ना मारने वाले से ना मरने वाले से। ये बात मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि अगर इस देश में एक धर्म के ग्रंथ के ऊपर, जिस तरह से मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है इस बात के ऊपर कि एक काउ स्लॉटरिंग के नाम पर, राम के नाम पर जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, और मैंने हमेशा उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई है और मैंने हमेशा उसको गलत कहा है, मैंने हिंदू होते हुए मैंने हमेशा इस हिंदुत्व के इन जो ये गुंडे हैं, ये लोग हैं, ये ब्राह्मणवाद जो फैला रहे हैं, इन लोगों की मैंने हमेशा इनको क्रिटिसाइज़ किया है, इनको मैंने गुंडा कहा है। उसी तरह से अगर आज एक ग्रंथ के ऊपर आप किसी का हाथ काटते हैं, किसी को मारते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, तो आप एक जानवर हैं। आप बीजेपी और आरएसएस से कम नहीं हैं, आप उन्हीं की तरह हैं। जिस तरह की मानसिकता उनकी है, वही मानसिकता आप में भरी हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी तक आपकी अभी तक ये हो रहा था कि राम के नाम पर मारा काटा जा रहा था तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब आप बिल्कुल खुल के सामने आ रहे थे। लेकिन जब आपके ग्रंथ के साथ कुछ हुआ तो आपने भी वही किया जो बीजेपी आरएसएस के लोग करते आ रहे हैं। किसान तो नेताओं ने हाथ क्यों पीछे खींच लिया? यही मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर, पहली बात, अगर वहाँ पर वो नेता मौजूद थे तो उनको बचाना चाहिए था। अगर नेता मौजूद नहीं थे, नेताओं जो किसान आंदोलन में इतने सारे वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है वहाँ पर, उनको आगे आना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था। और अगर आपने नहीं रोका तो कम से कम उसके खिलाफ आवाज़ तो उठाइए, गलत को गलत तो बोलिए। आप सब लोगों ने अपना मुँह ऐसे सी लिया है जैसे
कि कुछ गलत हुआ ही नहीं है। और मैं ये सिर्फ किसान जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो वहाँ पर नेता मौजूद थे, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में नहीं कहूँगी, मैं एक एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी ये निशाना साधते हुए ये बात बोलना चाहती हूँ कि कहाँ है पॉलिटिकल पार्टीज जो हर बात पर सड़कों पर उतर आती थी, जो हर बात पर धरने प्रदर्शन करती थी। इस बात के लिए ना धरना प्रदर्शन हुआ, ना किसी का ट्वीट आया, ना ही लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। तो क्या आपके लिए किसी की जान का महत्व है? नहीं। सब लोग यहाँ पर अपने अपनी पॉलिटिक्स की रोटियाँ सेक रहे हैं, बस उनके लिए जो मौत होती है ना, वो सिर्फ उसमें फ़ायदा देखते हैं कि इसमें हमारा कितना फ़ायदा है, दैट इज़ इट। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। मेरे लिए मैं कहती हूँ, अगर हो सकता है उसने बेअदबी करी, उसने अभी तक ये तो आ रहा है, उसने किसी का रेप नहीं किया, उसने किसी को मारा नहीं, किसी की हत्या नहीं करी, सिर्फ गुरु ग्रंथ के साथ। बेअदबी के भी तो एविडेंस नहीं है ना। वही मैं आपको बोल रही हूँ, वो भी एविडेंस नहीं है। और अगर वो आप ये कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ उसने छेड़छाड़ की, आप मुझे बताइए क्या ग्रंथ में, किसी भी ग्रंथ में ये लिखा है कि अगर उनके उन पन्नों के साथ या उन ग्रंथों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे तो उसको मार देना चाहिए? कौन से भगवान राम ने या कौन से गुरु नानक जी ने या कौन से अल्लाह ने कहा है कि अगर उनको कोई गाली दे तो उसका खून कर देना चाहिए? साहस तो देखे ना, वो तो कह रहे हैं अगर कोई आगे करेगा तो हम तो ऐसे ही काटेंगे, फिर ऐसे मार। मैं आपको यही बोल रही हूँ, आप ऑडेसिटी देखिए। जिन लोगों को पकड़ा गया है, जो वो निहंग्स हैं जिनको पकड़ा गया है, वो लोगों को कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का? डेफिनेटली रिग्रेट कैसे होगा? स्वागत हो रहा उनका तो नोटों की। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे फेसबुक पर हैं, जिनके मैं कमेंट्स पढ़कर हैरान हो गई, जिन्होंने लिटरली उनको ग्लोरीफाई करते हुए ये बोला कि जो निहंग्स हैं वो रियल वॉरियर्स हैं। वो लोग मुझसे इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि अगर हमारे गुरु ग्रंथ के साथ इस तरह से छेड़छाड़ की जाएगी तो बहुत सही किया है उन्होंने। तो आप मुझे बताइए, आप में और जानवर में क्या फ़र्क है? मैं बोलती हूँ जानवर भी जो अपने होते हैं उनके साथ तो कम से कम ठीक रहते हैं ना, वो तो सेवादार था वहाँ का, आपने सेवादार को भी मार दिया उठा के, और वो भी आपने इतने ब्रूटली मारा है उसको। किसी भी हत्या की जो इस तरह से हत्या की जाती है ब्रुटालिटी के साथ, किसी भी हत्या की, मैं कहूंगी नॉर्मल हत्या की, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। शांति क्यों है देश में? आखिर विपक्ष के नेता शांत क्यों? मायावती या चंद्रशेखर को छोड़ दिया जाए तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो। अगर लखीमपुर में घटना होती है तो सारे भागते हैं वहां पर। मैं आपको यही बात बोल रही हूँ, मैंने अभी ये बात आपको ऑलरेडी बोली कि मैं आई एम शॉक टू सी कि ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। जो कुछ भी हमारे देश में जब शुरुआत हुई थी अखलाक और पहलू खान से, उस पहली हत्या पर रैलीज निकली थी, उस पहली हत्या पर देश में कोने कोने में धरने हुए थे। मैं खुद उन धरनों में शामिल थी, और मैं आज तक भी, चाहे बात अखलाक की हो, चाहे बात तबरेज अंसारी की हो, चाहे बात पहलू खान की हो, किसी की भी बात हो, कोई भी हत्या हो जो मॉब लिंचिंग की तरह की हत्या है, जो एक इनोसेंट की हत्या है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है, वो दलित है, वो क्रिश्चियन है या वो सिख है। हत्या हत्या है। लखीमपुर में भी जिस तरह से जो हत्याएं हुई, मैं उसके भी अगेंस्ट थी, और मैं मेरी भी रूह कांप गई थी वो वीडियो देखकर। जब मैंने वो वीडियो देखा, मेरी भी रूह कांप गई थी कि किस तरह से उड़ाया गया है हमारे देश के लोगों की, किस तरह की मानसिकता है। लेकिन अभी इस घटना को थोड़े दिन हुए नहीं थे, एक नई घटना होती है, वो भी सिंगू बॉर्डर जैसी जगह पर, जहाँ पर लाखों किसान मौजूद हैं, और उनके सामने अगर ये घटना हुई और किसी ने नहीं उसको रोका, तो मुझे हमेशा बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर जुर्म करने वाला गुनहगार है, तो जो जुर्म को देखता है और वो कुछ नहीं करता, वो भी उतना ही गुनहगार होता है। किसे जिम्मेदार मानते इस पूरे मामले का, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने तो मना कर दिया? देखिए, मैंने आपको बोला कि जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने हत्या की है। मैं कभी भी किसी कम्युनिटी पर्टिकुलर ये नहीं कहूँगी कि हाँ ये एक कम्युनिटी की बात है कि निहंग्स ऐसे हैं या ये कम्युनिटी ऐसी है। देखो, जो हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में, हर जाति में, हर तरह के लोग होते हैं। इंसान अच्छा और बुरा होता है, उसका धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं होता। जिम्मेदार वही लोग हैं। लेकिन आप कह रही हैं कि सारे लोग बुरे नहीं हो सकते, लेकिन उस आदमी की, उस मजदूर की सिख रीति रिवाज से ना उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया इस कम्युनिटी ने। आप कह रही हैं कि सब लोग ऐसे नहीं हो सकते। देखिए, वही मैं आपको बोल रही हूँ, आप उसके लिए कम्युनिटी को दोष नहीं दे सकते, इसलिए नहीं दे सकते कम्युनिटी को दोष, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भी
एक आप एग्जांपल मुझे लेंगे, आवाज तो उठा सकते हैं ना, जो वही मैं आपको बोल रही हूँ, आप एग्जांपल मुझे देंगे और ऐसे बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू होते हुए, जो हिंदू राम के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं। इंसान अच्छा और बुरा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे, अगर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, अगर उन्होंने जुर्म होते हुए नहीं रोका और उन्होंने जुर्म होने के बाद उसको उजागर नहीं किया, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि हर किसी के पास वीडियोस होंगे कि किस तरह से उसको मारा गया है। वीडियोस तो हैं, वो तो वीडियो खुद बना रहे हैं, मारते हैं। हाँ, उनके पास वीडियोस होंगे, लेकिन फिर भी वो वीडियोस वायरल नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है। लखीमपुर का वीडियो वायरल हुआ, इससे पहले जितने भी, जब भी इस तरह के कोई भी घटनाएं होती हैं और वहाँ लोग मौजूद होते हैं, मॉब लिंचिंग्स होती हैं, वहाँ लोग मौजूद होते हैं, वीडियोस बनते हैं। बीजेपी ने करवाया, बीजेपी की साजिश है। मैं कहती हूँ बीजेपी की साजिश है, मान लिया मैंने कि वो जो निहंग थे वो बीजेपी के साथ मिले हुए थे, लेकिन आपने जबान क्यों सी के रखी हुई है? अगर बीजेपी ने किया या नहीं किया, आपने चुप्पी क्यों साधी हुई है? और अगर ये बीजेपी ने किया है, बाकी लोग तो बीजेपी के नहीं थे ना, उन्होंने क्यों नहीं रोका? वो चुपचाप क्यों देखते रहे इतनी बड़ी हत्या? इतनी ब्रूटली उसका हाथ काटा गया, उसको लटकाया गया वहां पर। वो ऐसा तो नहीं है ना कि वो अकेले में हो रहा था, कि एक भीड़ थी पूरी, वही भीड़ थी, सामूहिक हत्या है, और उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया, कुछ ना उसको रोका गया। मतलब आप लोगों को सिर्फ, और ये जितना भी विपक्ष है, मैं उनसे भी ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को सिर्फ वोटों से मतलब है, क्योंकि आपको, आप इसलिए चुप हैं क्योंकि अगर आपने बोला तो हो सकता है आपकी बहुत सारी वोट बैंक है वो छिन जाए। पंजाब का पूरा बेल्ट है जो, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? गलत तो गलत है ना। कोई भी नेता तो उसके अंतिम संस्कार में नहीं गया ना, किसान नेता गया ना कोई। मैं आपको यही बात कह रही हूँ, ऐसा क्यों? दलित इस वजह से नहीं, आपने अपनी जबान को बंद क्यों किया? आपके लिए एक ये मॉब लिंचिंग थी, इससे पहले देश में जितनी भी मॉब लिंचिंग्स हुई हैं उनके ऊपर ट्विटर पे ट्रेंड चलते हैं, उसके ऊपर धरने होते हैं, कैंडल मार्च होती है, इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? मैंने एक सिंगल ट्वीट नहीं देखा किसी नेता का। मैंने एक, जो ये जितने फेक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोग सिर्फ इस वजह से आते हैं जर्नली, वो लोग सिर्फ इस वजह से इंटरव्यूज देते हैं या ट्विटर पे ट्वीट करके फेमस होने के लिए वो आते हैं और वो बोलते हैं, मैं सौरभ भास्कर जैसी लेडी से पूछती हूँ। हालांकि फैब इंडिया वाला जो केस हुआ है उसके अगेंस्ट मैंने भी बोला है, लेकिन मैं तो हर मुद्दे के अगेंस्ट बोलती हूँ। सौरभ भास्कर फैब इंडिया वाले मुद्दे के ऊपर तो उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया?